मेरे हिंदू भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। आज बताएंगे आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। एक महिला जिनका नाम करकाटी था, जो पश्चिमी भारत के सहया पर्वत पे रहती थी। उनके पति विराधा थे, जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। कुछ वक्त बाद रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने उसका शारीरिक शोषण किया तथा वहां से लंका चला गया, जिसके उपरांत असुर भीमेश्वरा का जन्म हुआ। जब भीमेश्वरा को पता चला कि भगवान श्री राम ने रावण तथा उनके छोटे भाई कुंभकर्ण का वध किया है, तो उसने प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। असुर भीमेश्वरा ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या प्रारंभ की। अपनी एक पैर पर खड़ा होकर, अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर तथा अपनी दृष्टि सूर्य पे केंद्रित करके वह हजारों सालों तक तपस्या करता रहा, जिसके उपरांत उसके सर से आग का ताप निकलने लगा, जिससे इंद्र तथा देवतागण में त्राही त्राही मच गई। इसके समाधान के लिए देवतागण ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए आए, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने असुर भीमेश्वरा को दर्शन दिए तथा वरदान मांगने को कहा। भीमेश्वरा ने अपार शक्ति होने का वरदान प्राप्त कर लिया, जिसके उपरांत उसने इंद्र तथा अन्य देवताओं को पराजित किया। भगवान विष्णु को भी असुर भीमेश्वरा ने पराजित कर दिया। धरती पर उसने आम जनता तथा ब्राह्मणों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। असुर भीमेश्वरा ने कामरूपी राज्य के राजा सुधा कृष्णा को पराजित कर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसके उपरांत राजा सुधा कृष्णा ने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की, लेकिन असुर भीमेश्वरा ने तपस्या भंग कर दी। ये सब देखकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा देवतागण ने महाकोसी नदी के तट पर भगवान शिव का शिवलिंग निर्माण किया तथा उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव के प्रसन्न होने पर उन्होंने सभी को दर्शन दिए तथा वरदान मांगने को कहा। सभी देवतागण ने कहा, महादेव, आपको तो सब ज्ञात है, आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप असुर भीमेश्वरा का वध करके धरती को उसके अत्याचारों से मुक्त करें। भगवान शिव ने कहा, राजा सुधा कृष्णा मेरा भक्त है, उससे कहो कि मेरी पूजा अर्चना जारी रखे, मैं अवश्य ही असुर भीमेश्वरा का वध करूंगा। जब इस बात की सूचना राजा को मिली, तो उसने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ कर दी। असुर भीमेश्वरा को इसकी खबर लगते ही उसने राजा को तपस्या खत्म करने का निर्देश दिया, लेकिन राजा पीछे नहीं हटे और उन्होंने तपस्या जारी रखी। तभी असुर भीमेश्वरा ने अपनी तलवार निकाली और शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए आघात करा। इससे पहले कि तलवार शिवलिंग को छू पाती, भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए और उन्होंने तलवार के दो टुकड़े कर दिए। भगवान शिव ने हुम आवाज़ निकाली, जिससे असुर भीमेश्वरा राख में बदल गया, राक्षसों का विनाश हो गया। नारद मुनि ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह वहीं भीमा शंकर के रूप में स्थापित हों, जिसके उपरांत भगवान शिव भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। हर हर महादेव।